Good morning, dear students. Welcome back to the another session of the marketing research process. We have discussed about what is research. We have discussed about what exactly the research we have to do in research. हमने रिसर्च के बारे में देखा, रिसर्च कैसे करना है, क्यों करना है, how to get the data, how to collect the information, we have discussed. In short, major area of research we have already covered. But in this session, we have to understand exactly what is the research process. How research we have to do? How to conduct the market research? उसके बारे में हम discuss करेंगे. We'll study about how to do the market research. दोस्तों, ध्यान से एक एक points यहां पे समझने की कोशिश करनी है आपको. Marketing research is the systematic and objective search. Market research is a systematic and objective search. Research must be systematic. Research must be systematic and it should be objective. हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो without objective है, हम वही काम करेंगे जो objective के साथ है. We will not do anything which is having no objective. We do everything as per the objectives. So marketing research is the systematic तरीके से किया गया, सिस्टम से किया गया, बहुत सोच समझ के किया गया एक रिसर्च है जो ऑब्जेक्टिव को पकड़ के चलता है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर चलता है. फॉर एग्जांपल, आप घर से निकलते हो, घर के बाहर जाते हो तो आपको पता होता है ना कहां जाना है, ऑब्जेक्टिव है ना आपका, या ऐसे ही इधर उधर घूमते हो, चल निकल गया बाहर, इधर जाओ उधर जाओ, ऊपर जाओ बाहर भागो, चलो दौड़ो जमीन पे से रेंगते रेंगते जाओ, ऐसा करते हो? नहीं सर, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हम तो जाना है कॉलेज में, तो हम कॉलेज में ही आते हैं. वेरी गुड, भाग रहे हो सब लोग जो निकलते हैं घर से कॉलेज में आने के लिए, लेकिन कॉलेज में नहीं जाते. यू आर गुड पीपल, क्वालिटी स्टूडेंट्स. व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू टेल यू इज दैट रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक एंड इट शुड बी बेस्ड अपॉन objectives. So marketing research is the systematic and objective search for and analysis of information relevant to the identification and the solution of any problem in the field of marketing. मैंने पहले कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, काई नहीं करनी. मैं आपको एक एक वर्ड प्रॉपरली समझाता हूं, क्योंकि ये समझ में आ गया तो रिसर्च समझ में आ गया. मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्च फॉर एंड एनालिसिस ऑफ, सर्च फॉर एंड एनालिसिस ऑफ, सर्च करना है, एनालिसिस करना है क्या, इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है हमारे रिसर्च के लिए, जो रेलेवेंट है हमारे रिसर्च के लिए. क्यों? टू द आइडेंटिफिकेशन, फाइंड आउट करने का है, यू टू गो इन टू द डिटेल, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन,
मैं सिंपल सा बात बताता हूँ जब तक आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है वो पता नहीं है तब तक क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो नहीं इससे पहले क्या करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन क्या करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इन शॉर्ट अगर मैं फिर से बताना चाहूं मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्च हो सिस्टमेटिकली पहले से पूर्व नियोजित प्लानिंग के साथ किया गया सर्च है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलेगा एक्चुअली हमें कहां तक जाना है हमारी मंजिल क्या है हमारा अल्टीमेट गोल क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है वहां तक पहुंचना है एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस करना है विच इज रेलेवेंट टू द जरूरी है जो टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम जो जरूरी है जो कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करे और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आए और हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च इसलिए इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग मैंने पहले ही कहा था मार्केटिंग इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट और आपने देखा था उसका डेफिनेशन में भी आता था मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आया था ना एंटीसिपेटिंग आया था ना आइडेंटिफाइंग एंटीसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स बराबर है मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटीसिपेटिंग सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट बट एट द एंड में भी आया था प्रॉफिटेबली सो मार्केट को समझना मार्केटिंग को समझना उसमें अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कहां से शुरू होता है मार्केटिंग जब एक प्रोडक्ट अगर क्रिएट करने के लिए जब माइंड में आइडिया आता है आइडिया जनरेशन से मार्केटिंग शुरू होता है आइडिया जनरेशन अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ द प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर आफ्टर कंजम्पशन फीडबैक बाय द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट आफ्टर फीडबैक आफ्टर सेल सर्विस अबाउट द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द फीडबैक एंड आफ्टर सेल सर्विस अकॉर्डिंग टू द फीडबैक यू विल गेट द आइडिया कि अभी मैंने जो गलती की वापस ना करो तो फीडबैक लेना भी तो एक रिसर्च है जब तक तुझे नहीं समझेगा कि तेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है तब तक तेरे में इंप्रूवमेंट आएगा नहीं आएगा जो पर्सन को ऐसा लगता है कि आई एम द परफेक्ट समझ जाना कि उसका पतन शुरू हो गया अरे पूछो ना अरे एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बाद तुमने एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचा 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद वो कस्टमर को फोन करके पूछो कि भैया आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा उसके लिए गट्स चाहिए वो जिसको आगे बढ़ना रहेगा वो जरूर पूछेगा क्योंकि उसको पता है पूछने में कोई गलत नहीं है क्या फर्क पड़ता है क्यों क्योंकि अपने को उससे आउटपुट मिलेगा अपने को समझेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती ना करूं आई शुड नॉट रिपीट इंप्रूवमेंट आएगा फर्क पड़ेगा चेंज आएगा यू विल इंप्रूव सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अबाउट द मार्केटिंग रिसर्च थोड़ा और उसको एक्सपांड करते हैं मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग समझ रहे हो कि नहीं यस और नो में आंसर दो तो मैं आगे बढ़ता हूं पहले इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट देन से यस तो और परफेक्टली जॉब में ये रिसर्च है और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट रिसर्चर हो क्योंकि स्टूडेंट विदाउट रिसर्च इज नॉट अ स्टूडेंट मैं तो ओपनली कहता हूँ टीचर विदाउट रिसर्च इज नॉट अ टीचर अ टीचर नीड्स टू रिसर्च हर एक स्टूडेंट हमारे लिए रिसर्च है I hope you are getting the point. Yeah, thank you. Good response from you all. I'm continuing with the second slide now. ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना उसको. एक-एक word important होता है research में. और एक-एक word के पीछे पूरे-पूरे book लिखे गए हैं research में. The systematic and objective identification. Identify किया. क्या किया? Identify किया. कलेक्शन जमा किया इकट्ठा किया आइडेंटिफाई किया सर्च किया कलेक्शन इकट्ठा किया पहले देखा आइडेंटिफाई किया कहां मिलेगा
गया कलेक्ट किया कलेक्ट करके घर पे लाया घर में लाके एनालिसिस किया एनालिसिस करके जिसको चाहिए था उधर पहुंचाया डिसेमिनेशन मैं फिर से बोलता हूं हर एक कंपनी में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि कहां से भी इंफॉर्मेशन लेके लाए और इंफॉर्मेशन प्रॉपरली जिसको चाहिए उसको दे फॉर एग्जांपल कुछ इंफॉर्मेशन था अपने कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन चाहिए था तो ये क्या करेंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेके आएंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां मिलेगा कलेक्शन करेंगे इंफॉर्मेशन जाके उसको इधर कंपनी में आके एनालाइज करेंगे कौन सा डेटा कहां पे सेव करेंगे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम है एंड वहां से फिर डिसेमिनेट करेंगे कि ये डेटा इसको चाहिए ये डेटा इसको चाहिए ये डेटा इसको चाहिए ये डेटा इसको चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन ये सब हम क्यों करते हैं ये सब हम क्यों करते हैं फॉर असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर आपको ऐसा जानना है कि मुझे अभी पुणे के मार्केट में जाके बिजनेस करना है तो पुणे का डेटा चाहिए ना तो तुम्हें तेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बोला कि आई वॉन्ट टू एंटर इन टू द पुणे मार्केट कैन यू प्रोवाइड मी द टाइप ऑफ अ डेटा फ्रॉम द पुणे और बोले कि यस उन्होंने चालू कर दिया आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एनालिसिस एंड जो डेटा तुम्हें चाहिए था उसको दे दिया दे देना आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देना डिसेमिनेशन करना अभी ये सब आप क्यों करते हो क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको डिसीजन लेना होता है और डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड होता है तुम्हारा डेटा जो है वो डेटा से क्या सच्चाई बाहर आता है उससे इंफॉर्मेशन उससे डिसीजन लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसको टेंथ में 50% है एंड ही इज टेलिंग कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक यू नो आई वांट टू गो टू नासा तो हम लोग उसको क्या बोलेगा भाई एक काम करना जरा फिर से सोचना क्यों ऐसा बोला तुमने क्यों ऐसा बोला क्योंकि आपको पता है कि ही इज नॉट अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु कैन गो टू द नासा एंड बिकम अ साइंटिस्ट सोच जरा कर सकते हैं ना नहीं बोल रहा हूं मैं लेकिन जरा सोच एक बार क्यों हमने बोला ऐसे आपने उसका चेहरा देख के नहीं बोला आपने उसके साथ का एक्सपीरियंस देख के नहीं बोला आपने देखा उसका मार्कशीट का टेबल क्या बोलता है स्टैटिस्टिक क्या बोलता है यू नो आप लोगों के भी रिजल्ट्स के ऊपर जब अच्छे अच्छे मार्क्स देते तो आपको खुशी होती है ना क्योंकि आपको पता है मैं किसी को भी बताऊंगा तो उसको देख के ऐसा लगना मांगता है कि आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट आई एम अ क्वालिटी स्टूडेंट सिंपल लॉजिक है वही सो ये डिसीजन लेने के लिए क्या लगता है डेटा और डेटा कौन कलेक्ट करता है ये रिसर्च और डिसीजन मेकिंग कौन सा रिलेटेड डिसीजन है रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन याद रखना दोस्तों रिसर्च कभी प्रॉब्लम बढ़ाता नहीं है रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन मार्केटिंग ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स डिड यू अंडरस्टैंड अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो ये मेरे को यस और नो बोलो दोस्तों नहीं तो मैं अकेले अकेले यहाँ पे बड़बड़ करते जाऊंगा एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो कोई फायदा नहीं है मेरा बोलने का होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यस तृप्ति स्वप्नाली श्रुति नंदिनी दर्शना दीपा शंकर प्रतीक्षा सरिता ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू पूजा प्रतीक्षा एंड ऑल दीपा सुमन ओके थैंक सो द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग रिसर्च दोस्तों ध्यान से पढ़ना इस स्लाइड को कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है ध्यान से पढ़ना इस स्लाइड को समझने की कोशिश करना क्या पूछा है व्हाट इज द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च रिसर्च का प्रोसेस बताया है एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को ये पता है हमने
पहले के लेक्चर में जो डिस्कस किया उसमें हमने इसको फोकस किया है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मार्केट रिसर्च, व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च। देयर आर आठ स्टेप है प्रोसेस में, एंड यू कैन नॉट राइट लाइक पॉइंट नंबर वन पहले, पॉइंट नंबर सिक्स दूसरा, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर डायरेक्ट एट सेवन, ऐसा नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इट्स अ प्रोसेस। दोस्तों, when we started the lecture today, in the beginning only I told you what exactly the research is. मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, मैंने बोला था इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उसमें मैंने बोला था रिसर्च इज व्हाट आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। रिसर्च स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ रिसर्च। तुम अपने आप से पूछो ना, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो तुम लोग को तुरंत सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों आया। एग्जामिनेशन में पेपर अच्छा नहीं गया, तुरंत सोचना, एग्जाम के हॉल में ही आपको सॉल्यूशन मिलता है, मैंने पढ़ाई नहीं किया था, प्रॉब्लम रिसर्च किया तूने, एक्सेप्ट तो कर कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं किया था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी रिसर्च स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। Whenever there is a problem, जबी-जबी कोई प्रॉब्लम होता है वहां पे स्कोप होता है रिसर्च का, जहां जहां प्रॉब्लम होता है वहां वहां रिसर्च का स्कोप होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। और दूसरी बात, जितना प्रॉब्लम को तू सही समझेगा उतना उसका सोल्यूशन जल्दी रहेगा। जब तक तू प्रॉब्लम को समझेगा ही नहीं सोल्यूशन रहेगा। एक सिंपल मेरे को बात बताओ, अकाउंटेंसी के अंदर आप लोग क्या करते हो, सीरियसली बताओ। अकाउंटेंसी का टीचर हमेशा एक बात बोलता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एग्री। और अकाउंट्स में तो हम लोग जो क्वेश्चन रहता है उसको भी तो हम प्रॉब्लम ही बोलते हैं, प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर टू बोलते हैं। अब अकाउंट्स का वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का रहता है तो उसके लिए अगर क्वेश्चन हमने परफेक्टली पढ़ाए ना तो हमारा सॉल्यूशन जल्दी आएगा। टाइम दो अपने आप को, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अकाउंट्स के अंदर मैं सिंपल दो बातें समझता हूं दोस्तों, अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो मैं दो बातें समझता हूं। नंबर वन, गिवन इन द क्वेश्चन क्या दिया है देखो, दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आता है रिक्वायर टू डू, मुझे क्या करना है। सिंपल लॉजिक है, अकाउंट क्लियर रखना। कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग हो या ऑडिटिंग हो या टैक्सेशन हो, देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द अकाउंटेंसी। नंबर वन, गिवन इन द क्वेश्चन पूछा क्या होगा। देखो मैं आपको रिसर्च के तरीके से सिखाता हूं, पूछा क्या होगा, अमलगमेशन में अगर अमलगमेशन में क्या क्या आ सकता है, अच्छा ये आ सकता है, पूछा क्या होगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली थोरली। दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है मुझे क्या करना है, रिक्वायर टू डू, मुझे ये करना है, चैप्टर खत्म, तेरी हुआ नहीं हुआ मुझे परवाह नहीं है, मैंने स्टेप्स प्रॉपर फॉलो किए हैं। यू फॉलो द स्टेप, आई गिव लिस्ट इंपॉर्टेंट टू द टेली एंड आई नो पीपल गिव मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू द टेली, टेली नहीं हुआ तो उन लोगों को नींद नहीं आती है, मतलब नहीं है उसका, कभी कभी हो जाता है, यू आर वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम समटाइम बिहाइंड द प्रॉब्लम वेयर यू आर गिविंग लूजिंग सम अदर गुड मार्क्स। सो दोस्तों, एनीथिंग रिसर्च इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, जब जब प्रॉब्लम है तब तब रिसर्च लगता है। कभी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो रिसर्च लगता है। सो step in research process is to identify and formulate problem, problem ko samjho,
जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, मैंने सब एग्जांपल दिया आपको, पूरे एग्जांपल देके बता रहा हूं। Then comes how to do the research, choice of research design, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, how to solve it, how to maintain it, how to go ahead with this, choice of research design, research का design कैसे करेंगे, how to do the research design, how to find out how to do the research design. What will be the first we will do, what second we will do, what next we will do. We have to find out कि एक महीने में मैं ये डेटा कलेक्ट करूंगा, एक महीने में मैं इसको एनालाइज करूंगा, एक महीने में मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा, एक महीने में मैं उसका रिपोर्ट बनाऊंगा, तो करो ना ऐसा प्लान। कौन सा डिजाइन से जाना है आपको, कौन सा रिसर्च करना है, एक्सप्लोरेटरी करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, कैसे करना है। Then comes source of data, determine the source of data, कितना data चाहिए, कम data चाहिए तो primary data ले लिया, personally जा क्या, लेकिन बहुत ज्यादा data चाहिए तो तुझे secondary का इस्तेमाल करना पड़ेगा, already collected facts and finds को ढूंढना पड़ेगा, you have to check with the available facts and finds, so determine the source of data. Design the data collection form, सर ऐसे ही बोल दिया होता questionnaire, अरे किसी के पास अगर आप लोग डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो आपके पास आपका क्वेश्चनर होना चाहिए कि नहीं, अगर आपके पास क्वेश्चनर नहीं है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप लोग के सवाल कैसे करोगे, क्या पूछोगे तुम उन लोगों को, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क एनीथिंग इफ यू डोंट हैव एनीथिंग रेडी विथ यू, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर क्वेश्चनर, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस, then only you will be able to get the data, required data. अगर ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे तो भटक जाएगा रिसर्च, आपको रिसर्च करने में इजी नहीं रहेगा क्योंकि आप डेटा एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आप स्टैटिस्टिक को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पर्सन का आपने पूछा कि मुंबई में आप कितने साल से रहते, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू क्या नौकरी करते हो, ठीक है, दूसरे को पूछा मुंबई में आप कितने साल से रहते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आर यू मैरिड और नॉट, क्या संबंध है, उसको कुछ और पूछ रहा है, इसको कुछ और पूछ रहा है, इनमें क्या डेटा कलेक्ट किया तेरे को कुछ नहीं पता है, तो सबको सेम क्वेश्चन कर, 10 क्वेश्चन किए सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 19 जो इसको और इसको, उसे क्या होगा तुझे समझेगा, वन नंबर क्वेश्चन में यस कितने गए, नो कितने गए, टू नंबर क्वेश्चन में यस कितने गए, नो कितने गए, थ्री नंबर क्वेश्चन में बिलो 5000 कितने, अबो 5000 क्वेश्चन, तो क्या होता है तेरे को क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेटिस्टिक के हिसाब से, डेटा जो तूने कलेक्ट किया उसके हिसाब से तुझे समझेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, तो उसको कहा जाएगा डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ डेटा, डिजाइनिंग द डेटा कलेक्शन फॉर्म यानी कि क्वेश्चन डिजाइन करना, एंड देन डिटरमाइन द सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज, कितने लोगों से डेटा लाना है, कितने लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना है, कितने लोगों के पास से इंफॉर्मेशन लेना है, अगर कम है लिमिटेड है तो प्राइमरी डेटा ले, नहीं ऐसा लग रहा है कि इतनों से काम नहीं होगा तो सेकेंडरी डेटा ले, जा इंफॉर्मेशन निकाल और फाइंड आउट कर, उसके बाद फील्ड सर्वे लिया, एनल डेटा लेके आया, डेटा लेके आके उसको एनालाइज कर, एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, मैंने बोला था ना चार्ट डायग्राम बनाने का, पाई चार्ट, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, देन एट द एंड सब कुछ करने के बाद तेरा फाइंडिंग्स, तेरा सजेशंस, तेरा रिकमेंडेशंस एंड प्रिपेयर द कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट, प्रिपेयर द कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्केट रिसर्च एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टिल हियर, यहां तक सबको समझ में आया तो यस और नो प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई वेदर वीडियो अंडरस्टूड और नॉट, सो आई कैन गो अहेड। Yes, yes, thank you very much. Now, इतना जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है थोड़ा सा उसको और क्लियरली समझ जाते हैं। What is the first step? Identification and formulating problems. The first step in research is formulating the research problem.
It is the most important stage in the applied research. ऐसे कहा जाता है ना, इस पोअरली डिजाइन प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम ही आपने नहीं समझा बराबर से तो आपको कभी भी यू कैन नॉट यील्ड द यूजफुल रिजल्ट, कभी भी रिजल्ट अपने को अच्छा मिलेगा नहीं. एग्री? इट इज राइटली सेड दैट अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड, जो सही तरीके से प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है वही पे वो आधा सोल्व हो जाता है, इज हाफ सोल्व, वही पे सोल्व हो जाता है. तो प्रॉब्लम पहले समझो, मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट. पोअरली डिफाइंड प्रॉब्लम से क्या होता है, क्रिएट अ कंफ्यूजन एंड डू नॉट अलाउ द रिसर्चर टू डेवलप अ गुड रिसर्च डिजाइन. प्रॉब्लम भी बराबर नहीं डिफाइन किया है तो तेरा डिजाइन भी बराबर नहीं बनेगा, सब गलत सब गलत. तो द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन for the researcher point of view represent translating the management problem into research problem. ध्यान से समझना, जो management के problem है उसको तुझे research में लेके आकर आना है और research के लेके जैसे solve करना है. In order to formulate an appropriate research problem on the basis of management problem, it is necessary to have a meaningful dialogue between the. जरूरी है जो researcher है उसको management से clear cut पता चलना चाहिए कि management को क्या चाहिए. It needs to have, it is necessary to have a meaningful dialogue between the researcher and the manager. Researcher or manager ke beech mein clear cut indication, direction, dialogues hone chahiye. Samjh aa raha hai aapko? Otherwise there is no use. It is necessary to have a meaningful dialogue between the researcher and the manager. Business over there. Okay, I don't know why she is not understanding. I am removing her. Okay, somebody call her and tell to keep quiet, nonsense girl. Okay. So, in order to formulate an appropriate research problem on the basis of management, it is necessary to have a dialogue between the researcher and the manager. Next. Point number two. Choice of research design. Research design is a correct. A research design specifies the methods and procedures for conducting a particular study. Study kaise karna hai apne ko? उसका मेथड सिखाता है वो. रिसर्च डिजाइन कैन बी ग्रुप इनटू थ्री कैटेगरीज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या कैजुअल रिसर्च. एंड द चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन विल डिपेंड एसेंशियली ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम. अब आप लोग को एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कुछ डिटेल में एक्सप्लोरेशन करना है, इंफॉर्मेशन लाना है. डिस्क्रिप्टिव कुछ आपको थियोरी बेस्ड क्लियर करना है. एंड कैजुअल रिसर्च इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ रिसर्च जो आपको करना है. So how to do that, how to conduct that, you have to understand. And the choice of research design will depend essentially on the nature of the problem on which the research is to be undertaken. The choice of research design karne ke waqt aapko kya dhyan dena hai? Aapko dhyan dena hai, nature of problem kitna bada hai? Jiske upar hum research kar rahe hain, uske baad bhi aap logo ko iske upar ध्यान देना है. अब रिसर्च के अंदर आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है या कैजुअल रिसर्च करना है. आइदर यू हैव टू गुड फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और आई कैन से यू हैव टू डू द कैजुअल रिसर्च. अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब है फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इज जनरली बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा. डिस्क्रिप्टिव study or research is undertaken when the researcher wants to know the characteristics of a certain group, such as age ka information nikalna, gender, educational level, income, occupation. So you need to do a descriptive research. And the casual research is undertaken when the researcher wants to know the causes and effect relationship between the two or more variables. Jaise ki price ke badhne se demand pe kya effect hua, what are the effect of change in price, what it caused. Causes and effect relation create करने के लिए you need to do the casual research. The step says
determining the source of data. Data kaise collect karenge. The next step is to determine the source of data to be used. The marketing researcher has to decide whether he is to collect the primary data or depend exclusively on secondary data. Kaunsa data lena hai? Primary data lena hai ya secondary data lena hai? Sometimes the research study is based on secondary data, whether sometimes partially also or sometimes fully also. Kabhi other data udhe se collect kiya jata, kabhi full data. It is necessary to satisfy oneself. Ek zaruri sabse important kya hai? Oneself that the data are quite suitable for the objectives spelled out by the study. Yaad rakhna, jo bhi data collect karenge, wo apne company ko jo objective pura karna hai, uske liye hona chahiye. Apne man se hona chahiye, nahi. That we have to understand. It is also advisable to evaluate secondary data in detail to avoid the possible source of error. जब मैं secondary data collect करेगा तो मैं पहले बताया था check करना कि वो सही है या नहीं. It is only when such secondary data are unavailable, inadequate and unreliable that research should be decided on collecting fresh data. जब आपको ऐसा लगे कि अपने को secondary data मिल नहीं रहा है तो आपको fresh data collect करना है. There is primary data. ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. अब designing the data collection form, questionnaire कैसे बनाएंगे. Once the decision in favor of collection of primary data is taken, आपने तय किया कि आपको primary data collect करना है. So one has to decide the mode of collection, कैसे collect करेंगे. The two methods available are observation method and survey method. आप जाके observe करो, noting करो, ऐसे ऐसे चल रहे. Natural place में जाके check किया, क्या क्या है यहाँ पे. या survey करो, लोगों से पूछो क्या हो रहा है. It is up to you how you can ask the things. Then determining the sample design and sample size. कितना आप लोग को design कैसा बनाना है और कितने लोगों का data लेना है. 1000 लोगों का, 5000 लोगों का, 10000 लोगों का, पहले बताओ. So when the marketing researcher had decided to carry out a field survey, he has to decide whether it is to be census or sample. Census बोले तो statistical organization जो data देता है वो. And sample बोले तो जो हम collect करेंगे. In almost all cases, an example, a sample survey is undertaken on account of its overwhelming advantages over the census survey. Sample is always better. मेरे को एक बात बताओ. आपको पूरे क्लास के अंदर कैसे स्टूडेंट है उसका स्टडी करना है तो एक एक स्टूडेंट को आप पूछने बैठे कि 150 लोग क्लास में बैठे हैं. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड इट विल क्रिएट फन इन द क्लास रादर देन यू कैन कास्ट एनीबॉडी इन द रैंडम. आपको पता रहेगा पहले स्कूल में पढ़ते थे तो इंस्पेक्शन होता था. तो एक इंस्पेक्टर आता था बीच में की क्लास में पूछता था बोलो बेटा चलो इसका आंसर बताओ बोलो बेटा इसका आंसर बताओ. यू नो एक रैंडम इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? रैंडम इंस्पेक्शन बोलते हैं. सो वो भी आप लोगों को देखना है कि पूरा डिटेल्स का स्टडी करना है या रेंडमली करना है. सो व्हेन अ डिसीजन इन फेवर ऑफ अ सैंपल सर्वे हैज बीन टेकन इट इज नेसेसरी टू हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज टू बी ड्रॉन. आपको सैंपल कहां से निकालना है. सो पहले बिफोर डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ सैंपल डिजाइन टू बी यूज फर्स्ट अ ब्रॉड चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैंपल लेना है या नॉन प्रोबेबिलिटी यानी शक्यता या कंफ्यूजिंग क्या एग्जैक्टली आपको कैसा डेटा लेना है प्रोबेबली और नॉन प्रोबेबिलिटी. देन द ऑब्जेक्ट ऑफ सैंपलिंग इज टू चूज अ सैंपल व्हिच विल फेथफुली रिप्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. ऐसा सैंपल लेना है जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक को बार बार बताए तो हमारा मेहनत वेस्ट ना जाए. देन कम्स वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा and conduct a field survey. Having prepared the questionnaire, बनाया है हमने. Select the sample design, जो design किया है. Sample select किया है. The next step is to organize the conduct of field survey. Field में जाओ. और यहाँ पे आपको interview लेना है, supervision करना है. And at the same time, interview को इतना बोलने के लिए easy है interview लेना, but बहुत difficult है. क्यों? Because people most difficult task in marketing research. This is because respondents are generally hesitant. ना बोल देते. फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन. आपको भी किसने रास्ते पूछा चला पता है कि कौन सा क्रेडिट रिसीवर को अपने टाइम पास मत करो चलो हैरान मत करो. तो आपके तरफ से टैक्ट इनिशिएटिव एंड इंटेलिजेंट में होना बहुत जरूरी है तो आप कभी भी रिसर्च मत कर सकते नहीं है. देन वही डेटा को प्रॉपर एनालाइज करो इंटरप्रिटेशन करो. वंस द फील्ड सर्वे इज ओवर क्वेश्चनर हो गया रिसीव हो गया न्यू टास्क इज टू एग्रीगेट द डेटा जमा करो इन अ मीनिंगफुल मैनर. A number of tables are prepared to bring out the main characteristics of the data. The data क्या क्या है कैसे कैसे collect किया है. The researcher should have a well thought out framework for processing and analyzing of the data and this should be done prior to the collection. सब ready होना चाहिए आपका.
इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर इन डमी टेबल. पहले से है ना, पहले फॉर एग्जांपल फाइनल ड्रॉ करने से पहले एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, वैसे ही फाइनल टेबल बनाने से पहले एक सैंपल टेबल रेडी होना चाहिए, जिससे क्या होता है वी विल इंडिकेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेबुलेशन एंड ऑल्सो द कंपेरिजन ऑफ डेटा दैट कैन बी अंडर टेकन. जो हम कर सकते हैं फाइनल ये सबको ध्यान में रख के आपको बनाना है आपका रिसर्च का रिपोर्ट. Once the data have been tabulated, interpreted, and analyzed, the marketing research is required to prepare his report embodying the findings of the research study and his recommendation. Is a poor report on a good research will considerably undermine its utility. अच्छा research किया है लेकिन report गंदा बनाया है तो क्या फायदा? So it is necessary that the researcher give sufficient thought and care to its preparation. सही तरीके से बनाना है. And report writing needs some skill, quality चाहिए, which can be developed with practice. आप जितना ज़्यादा research करोगे, उतना अच्छा लिखोगे. And the researcher should follow the main principles of writing a report. Some of these principles are objective भी होना चाहिए, coherence होना चाहिए, clarity होनी चाहिए. In the presentation of ideas, in use of chart and diagram, ज़्यादा होना चाहिए. The essence of a good research report is that एक अच्छा report किसको कहेंगे हम? Is that effectively communicates its research finding. जो सही तरह से finding होंगे रहे. The researcher has to exercise extra care to make the report a useful and worthwhile document for the management. एक ऐसा report बनाना है जो अपने management को बहुत ही काम में आए, useful हो, worthwhile हो, जो find में रहे, उनको पूरा help करे. So these are the steps in the research process: identifying the problem, formulating the problem, choice of research design, determine the source of data, design data collection form, there is questionnaire, determine the sample size and design, sample design, organize and conduct the field survey, analyze and interpret the collected data, and prepare the research report. I hope you understood the topic properly about marketing research. Thank you very much for the patience listening. I hope you understood. Say yes or no in the chat box so I can understand what exactly your reply is. Thank you.